सो है एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ बादार लेजर प्रिंटर का जो टोनर है, इसको आप लोग रिफिलिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, रिफिल करना बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग अपने घर पे या अपने शॉप पे खुद रिफिलिंग कर लेते हैं तो अपना आपका जो पैसा है बहुत सेफ होने वाला है। तो अगर आप लोग इस प्रिंटर को रिफिलिंग करना चाहते हैं, इस प्रिंटर का जो टोनर है बादार का, आप लोग अगर रिफिल करना जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दूसरे वीडियो को देखने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फुल वीडियो दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग बादार का जो टोनर है इस टोनर को रिफिल करेंगे। तो रिफिल करने के पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस साइड का जो स्क्रू है आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, जो ये वाला जो स्क्रू है, सिंपली इस स्क्रू को आप लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं खोल रहा हूँ, तो बिल्कुल सिंपली एंड ईजी है। आप लोग बेफिक्र होकर अपने घर पे या अपने शॉप पे इस प्रिंटर को रिफिल कर सकते हैं। तो स्क्रू को खोलने के बाद दोस्तों, ये जो प्लास्टिक का कवर है, इसको ऊपर खींचने से ऑटोमेटिक जो कवर है वो चला आता है। आप लोगों को दिखा देता हूं, देख सकते हो दोस्तों सिंपली चलाया है। उसके बाद दोस्तों प्रिंटर का जो टोनर का जो जितने भी गियर है आप लोग देख सकते हैं, इस गियर को आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्प्रिंग को उठाते हैं। उसके बाद दोस्तों जितने भी गियर दिया हुआ है, सिंपली आप लोग इसको इजीली उठा कर, मतलब जैसे है बिल्कुल ऊपर खींचिए, ऑटोमेटिक चला आता है। देख सकते दोस्तों, इसको आने के बाद दोस्तों ये वाला जो प्लास्टिक का कवर किया हुआ है, इसको आप लोगों को ऊपर ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर से आप लोगों को रिफिल करना पड़ेगा। तो आप लोग चाहे तो प्लास की भी मदद ले सकते हैं, या दोस्तों आप लोग स्क्रू ड्राइवर से भी इसको खोल सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग सिंपली नीचे प्रेशर करके आप लोग इसका जो लॉक है आप लोगों को खोलना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों को जो इंक है, जो पाउडर है, इसको आप लोगों को रिफिल करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी आप लोग खोल सकते हैं, जैसे मैं खोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, एंड दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लग रहा है। और दोस्तों चैनल पर जो भी नया है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो कवर है वो अभी खुल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंक है इसको डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इंक डालने के लिए आप लोग एक पेपर के भी मदद ले सकते हैं, पेपर को फोल्ड करके इसको रोल करके आप लोग यहाँ से आप लोग इंक दे सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सिंपली बहुत सिंपल है। यहाँ से आप लोगों को एक पेपर को फोल्ड करके जो है रोल करके आप लोगों को जो इंक का जो है आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ऐसे हम एक पेपर के मदद से कॉक बना लिया। उसके बाद दोस्तों ये जो इंक है, पाउडर वाला जो इंक है, आप लोग इसको रिफिल करेंगे। ये जो इंक है दोस्तों, अगर आप लोग खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग इस पाउडर को खरीदना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इस पाउडर को ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग एक साथ 10-15 पाउडर ऑर्डर करके आप लोग खुद ब खुद अपने घर पे आप लोग इस प्रिंटर का जो टोनर है उसको रिफिल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी एंड आसान है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो पाउडर है, सिंपली आप लोगों को सिर्फ ऊपर से डाल देना पड़ेगा, और दोस्तों ऑटोमेटिक जो है आप लोगों को पाउडर जो है इसका टोनर का अंदर चला जाता है। आप लोग देख सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी हम इसका जो टोनर है, टोनर को रिफिल कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को सेट भी करके दिखाने वाला हूँ। इसका सेट करना भी बहुत ही ईजी है। आप लोग जैसे आप लोग खोले थे बिल्कुल वैसे लगा देना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी हम रिफिल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका रिफिल करना, जितना भी लेजर प्रिंटर का टोनर है सबसे ईजी रिफिल करना है। इस प्रिंटर का बादार का जो प्रिंटर है, इसका जो टोनर है, इसको रिफिल करना बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। इसका टोनर का जो मॉडल नंबर है आप लोगों को थान में देख ही चुके हैं, 2365 मॉडल नंबर है इस टोनर का। आप लोगों को बादार का जितने भी लेजर प्रिंटर है, आप लोगों का बादार का कोई भी लेजर प्रिंटर है अगर आपका पास, तो दोस्तों बिल्कुल सेम तरीका है रिफिल करने का। आप लोग बहुत ही इजीली रिफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, इंक को हमने डाल दी, उसका कंप्लीट हो चुका है इंक रिफिल करना। उसके बाद दोस्तों जो कवर था इसको हम सिंपली लगा देंगे, जैसे हमने खोला था बिल्कुल वैसे हम लोग ऊपर से हल्का प्रेशर करेंगे और इसका जो कवर है वो लग जाएगा। और आप लोगों को देख सकते हैं जो चाका है, मतलब जो रोलर है, बिल्कुल इजीली आप लोग जैसे मतलब खोले थे बिल्कुल वैसे ही बैठा देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर गलती करते हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो सेटिंग है वो नहीं होगा। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी सेटिंग है। जैसे खोले थे गियर को बिल्कुल वैसे ही लगा देना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों स्प्रिंग को लगा दे, उसके बाद दोस्तों ये जो कवर है, कवर को सिंपली ऊपर से बैठा के जो स्क्रू है स्क्रू से टाइट कर देंगे और हमारा जो टोनर है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, कवर बिल्कुल फिटिंग हो चुकी है।
फिटिंग होने के बाद दोस्तों सिंपली हम क्या करेंगे, जो स्क्रू है, दो स्क्रू है, दोनों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। तो टाइट करने से टाइट आप लोग स्क्रू ड्राइवर या दोस्तों आप लोग टेस्टर भी यूज़ कर सकते हैं इसको टाइट देने के लिए या दोस्तों खोलने के लिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। तो सिंपली हम यहाँ पर दोनों स्क्रू को टाइट कर देंगे और हमारा जो टोनर है बिल्कुल रिफिल हो जाएगा। अगर आप लोग इस टोनर को एक बार रिफिल करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को लगभग 2000 प्लस आप लोग जेरोस कर सकते हैं। मिनिमम 2000 आप लोगों को जेरोस करके ही देगा। अगर आप लोग नया टोनर खरीदते हैं हर बार तो दोस्तों आप लोगों को 1500 या दोस्तों 1200 जेरोक्स होके आप लोगों का जो इंक है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग अगर रिफिल करते हैं तो आप लोगों का फायदा बहुत होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रिफिल करने से आप लोगों को 2000 प्लस आप लोगों को प्रिंटिंग या जेरोक्स मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसे लगा। दोस्तों चैनल पर जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ अपने इस चैनल पर। अगर आप लोग इस इंक को पाउडर को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।